आजही 24 तास एक पाऊल पुढे। यावर्षी काही राज्यात होणाऱ्या निवडणुका आणि पुढच्या वर्षी वाजणारं लोकसभेचं बिगुल, भाजपच्या दिल्लीतल्या 2 दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेत यासंबंधी तयारीची झलक पाहायला मिळाली। विशेष म्हणजे भाजपचं नेतृत्व नरेंद्र मोदींकडे देण्याचे स्पष्ट संकेतच जणू या निमित्तानं पक्षानं दिलेत। भाजपची 2 दिवसांची राष्ट्रीय परिषद दिल्लीत पार पडली। या परिषदेत मुख्य आकर्षण ठरल्या राजनाथ सिंहांनी मोदींचं भरभरून कौतुक केलं, तर मोदींनी या निमित्ताने गांधी परिवारावर निशाणा साधत काँग्रेसला थेट आव्हान दिलं। काँग्रेसने भीतरभी पूरी पार्टी को एक परिवार के लिए समर्पित करके रखा हुआ है और उसके कारण देश में योग्य नेतृत्व पनप रहा है। भारत के सार्वजनिक जीवन के लिए कांग्रेस एक दीमक की तरह फैल गई है। राजनाथ सिंहांनी भाजप नेत्यांना कॅमेऱ्यासमोर बोलताना संयम पाळा अशा कानपिचक्या दिल्या, तर सुषमा स्वराज यांनी तिकीट मिळो वा न मिळो कार्यकर्त्यांनी आता जोमाने कामाला लागावं अशी सूचना केली। पार्टी संगठन में निष्ठापूर्वक लगा रहना, वो कार्यकर्ता अग्नि परीक्षा में पास होता है और जो मन के अनुकूल केवल फैसला चाहता है और प्रतिकूल फैसले के समय बागी हो जाता है वो उस अग्नि परीक्षा में फेल हो जाता है। भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी तर नरेंद्र मोदी आणि सुषमा स्वराज यांच्या भाषणानंतर आपण काय बोलावं या नेत्यांनी उत्तम मार्गदर्शन केल्याचं प्रशस्तीपत्रक देऊन टाकलं, मात्र प्रसिद्धीचा सोस नेत्यांनी टाळावा अशा कानपिचक्याही अडवाणींनी पदाधिकाऱ्यांना दिल्या। एकूणच एकजुटीनं कामाला लागा या संदेशातून लोकसभा निवडणुकीचा बिगुल भाजपने देखील वाजवलाय। झी 24 तास रश्मी पुराणिकसह ब्युरो रिपोर्ट, नवी दिल्ली। झी 24 तास एक पाऊल पुढे।